Dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is based on elements and periodicity in the properties नाम का जो chapter है हमारा, उस पर के कुछ numerical आज हम solve करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो numerical में इसमें पूछा गया है कि the IUPAC name of the element with the atomic number 199 क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है, जो यहाँ पर उन है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है? क्लियर है? और नाइन को कहते हैं इनियम, ठीक है? तो वन दो बार है, तो क्या होगा? उन इनियम, ठीक है? ऐसा ऑप्शन आपको कहा दिख रहा है, पहला है उनी लियम, उनी इनियम, उसके बाद है आपका यूनोनियम, और उसके बाद है अन उन इनियम, ठीक है? इसका मतलब होता 119, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, क्या एक प्रकार का करेक्ट आंसर है। ये एक प्रकार का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है नए एलिमेंट को नाम देने के लिए जो डिस्कवर होने वाले हैं, उसमें उन का मतलब होता है एक, और इन का इनियम का मतलब होता है आपका नाइन, ठीक है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी, उसको कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन यहां पर हमें क्या पूछा है कि नीचे में से कौन सा ऐसे स्पेसिस है जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, वो हम चेक करेंगे। अब O2 है, O पर दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? हमने इसको लिखते समय ही थोड़ा गलत लिख दिया। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8+2 पॉजिटिव चार्ज के कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए, ठीक है? यहां पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एक ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये 10 हो गए, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमें ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है? और लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पर बचे 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां पर भी है 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमारा Mn में से 25, Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, यहाँ पर 23। और यहाँ पर जो हमारा Fe है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26 में से 3 गए तो बचे यहाँ पर 23, ठीक है? तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब Fe2 और MnO2 देखेंगे अपन। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए बचे यहाँ पर 24। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए बचे 23, तो यहां पर 24 और 23 वाला कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो Fe पॉजिटिव और Mn डाय पॉजिटिव, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, द एलिमेंट Having the atomic number 114 has been discovered recently. It will belongs to which of the following group, family and electronic configuration are as follows. ठीक है, एक element जिसका atomic number 114 है, ठीक है, वो अभी अभी क्या हुआ है, discover हुआ है, ऐसा इनका कहना है। तो उसका group क्या होगा, ठीक है, और उसकी फैमिली क्या होगी, ये हमें बताना है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर हमें दिया गया है, ठीक है? एल का मतलब, तो बेसिकली ये कहां पर आता है, जैसा कि 118 जो होगा वो किस में आएगा, 118 जो जिसका एटॉमिक नंबर है वो 18वीं फैमिली में आएगा, फिर बाद में 117 वाला 17वीं में, 116 वाला 16 में, 115 वाला कितने में, 15वीं फैमिली में, और 114 वाला 14 फैमिली में, ठीक है? तो इसकी फैमिली तो हमें समझ गई,
और 14 फैमिली क्या होती है हमारी, कार्बन फैमिली। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पहली है 13 बोरॉन फैमिली और बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ये कार्बन फैमिली में आता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आपको पता है 118वां नंबर जो होगा तो वो ए कौन से ग्रुप में आएगा, दैट इज द 18 ग्रुप में। फिर 17वां 17वें ग्रुप में, 116वां 16वें ग्रुप में, 115वां 115वें ग्रुप में, और इस तरह से ये 114वां है 14 ग्रुप में, और 14 ग्रुप हमारा क्या होता है, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, देखिए प्रॉब्लम क्या पूछा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विथ बिलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिसमें जो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा होगी, ऐसा यहाँ पर हमें पूछा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि इसमें देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्लस 5 हो सकती, ये 5 और 1 6 है तो प्लस 6 हो सकती, यहाँ पर है 2 और 5 और 2 7 प्लस 7 हो सकती, और यहाँ पर है 2 और 2 4 मतलब प्लस 4 हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे कितने हैं, तो विच बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ग्रुप पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक एलिमेंट्स है और वो कौन से ग्रुप को हो सकता है। ऑप्शन है 5th ग्रुप 15 ग्रुप 2nd ग्रुप और 3rd ग्रुप। ठीक है, पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट कर लेंगे, 10 और 8 18। ठीक है, 18 और 2 20। ठीक है, ये हो गए 20 और 20 और ये प्लस 3 मतलब ये 23 हो गए। ठीक है, 23 है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। क्लियर है, तो फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है अल्कली, आफ्टर द सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड के बाद आता है हमारा स्कैंडियम। ठीक है, वो थर्ड ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। स्कैंडियम के बाद टिटेनियम, टिटेनियम का जो ग्रुप होगा वो होगा 4th ग्रुप और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 21 इसका होता है, 22 इसका होता है, और फिर बाद में आपका स्कैंडियम टिटेनियम और वेनाडियम, वेनाडियम का ग्रुप होता है 5th ग्रुप और उसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो जस्ट ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 एटॉमिक नंबर होने वाले एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो 5th होगा। ठीक है, बिकॉज वेनाडियम इसका नाम हो सकता और वो 5वें ग्रुप में आता है। ठीक है, जैसे कि हम 1st 2nd 3rd से आगे आगे जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो 20 एटॉमिक नंबर होने वाला ग्रुप 5वें ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की। इसके बाद हमारा एक और एक क्वेश्चन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर जस्ट बिलो द दिस एटम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमें बताया गया है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p3 5 और ये 10 मतलब 15 मतलब ये एटॉमिक नंबर है हमारे फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस जो आता है हमारा 15वें ग्रुप में आता है। ठीक है, फास्फोरस जो है हमारा 15वें ग्रुप में आता है, 15वें ग्रुप में, जैसे कि उसकी वैलेंसी 5 है तो 15वें ग्रुप में वो आता है। ठीक है, अब हमें वो पूछ रहे हैं कि इसके नीचे का जो एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे 33 34 आफ्टर दैट 36 और 49 यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए। अब इसका सिंपली आपको क्या करना है,
इसके नीचे वाला क्या होगा ये हमको अगर पता लगाना है, तो इसके सामने का अगर हम देखेंगे तो नोबेल गैस कौन सा हो सकता, दैट इज पहला नोबेल गैस हेलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन और आपका क्रिप्टॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10, इसका है 18 और इसका है 36, ठीक है। अब ये जो है वो कौन से ग्रुप में आते हैं, 18वें ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो 18वें ग्रुप में आते हैं, तो ये जब 15वें ग्रुप में आएंगे तो इनका 36 में से आप माइनस कीजिए कितने हो गए, 36 माइनस 36 में से कितने ग्रुप हो गए, 18 माइनस 15 तो कितने बच रहे हैं यहां पर, दैट विल बी 3 बच रहे, ठीक है। तो यस आपको 36 माइनस 3 करना है, ठीक है, 36 माइनस 3 करेंगे आप तो कितने आएंगे आपका 33। तो ये जो है अर्सेनिक का एटॉमिक नंबर हो जाएगा और उसके जस्ट बिलो जो एटम होगा वो कितना होगा, 33 होगा। आपको जस्ट इसमें क्या करना है, नोबेल गैस का जो एटॉमिक नंबर है उसको लेना है और उसमें से क्या करना है, पहले आपको जो ग्रुप है यहां पर ऊपर के एलिमेंट क्या था हमारा 15, तो 18 माइनस आपको क्या करना है, टोटल ग्रुप में से 15 माइनस करना है, बच रहे आपके पास 3, ठीक है। और इस 3 को आपको क्या करना है, उस जो उसके जस्ट सामने का जो एलिमेंट्स है दैट इज 36 नीचे का, तो उस पे से आपको जस्ट 3 माइनस करना है, आपका जो है एटॉमिक नंबर बिलो वाला आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। इसके बाद हमारा और एक प्रॉब्लम है, दैट इज क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई इन द 13 ग्रुप इज एज फॉलोस, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए गए, देखिए पहला ऑप्शन है दैट इज बोरॉन इज मोर देन गैलियम, सॉरी बोरॉन इज लेस देन गैलियम, गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज लेस देन थूलियम, थूलियम इज लेस देन इंडियम, ठीक है। ऐसा इस तरह से आपको दिया है। तो बेसिकली जैसे जैसे आपको पता होगा, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा जो एटॉमिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, ये भी दिया है, ठीक है, ये भी दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, थूलियम होना चाहिए। तो थूलियम लास्ट में कितने ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो गैलियम है, गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से क्या है, ज्यादा है, इसको एनोमली बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिए। तो आपका जो बेरिलियम है, सॉरी आपका जो बोरॉन है, बोरॉन के बाद आपको डायरेक्ट क्या आना चाहिए, आपका गैलियम आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट इज जो आपका बोरॉन है इज लेस देन गैलियम, गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज लेस देन इंडियम, इंडियम इज लेस देन थूलियम, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है आपको, द स्पेसिस आर आर्गन पोटेशियम पॉजिटिव एंड कैल्शियम डाई पॉजिटिव कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इज इंक्रीज इनक्रीज, ओके। तो यहां पर हमें क्या ऑप्शन दिया है आप देखिए, तो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि इसमें एटॉमिक रेडियस जो है उनका वो कैसा इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि किसका ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपको पता होगा जिसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा बेसिकली उसका ही एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कैल्शियम जो है हमारा, कैल्शियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, ज्यादा होगा आर्गन से, और आर्गन का किससे ज्यादा होगा हमारा, पोटेशियम से। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो क्या है, यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब जो इसमें देखिए आप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बेसिकली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी,
ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, सल्फर जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी अगर पॉजिटिव में कर लेंगे अपन तो मोस्टली, अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, निगेटिव अगर कंसिडर कर लिया जाए ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 9, इसका 10 हो जाएगा, और सल्फर का जो है हमारा SF6 तो 17 हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सल्फर की होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडाई ऑफ अमंगस्ट द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नीचे दिए गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक रेडाई किसका है वो बताइए आप, ठीक है। तो सबसे जो कम एटॉमिक रेडाई होगा वो किसका होगा, सल्फर का। सबसे ज़्यादा जो होगा हमारा किसका होगा, दैट इज द कैल्शियम का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।